सीएम अशोक गहलोत ने आज प्रदेशवासियों को देश के पहले हाईटेक पशु पक्षी हॉस्पिटल की सौगात दी। सीएम गहलोत सुबह 11 बजे 12 जिले के बड़ागांव पहुंचे, जहां उन्होंने पहले हाईटेक श्री महावीर पशु पक्षी चिकित्सालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और मंत्री रमेश मीणा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि गोपालन एवं खनिज मंत्री प्रमोद जैन भाया और जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया की पहल पर महावीर गौशाला कल्याण संस्थान की ओर से 12 जिले में इस हाईटेक पशु पक्षी हॉस्पिटल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया गया है। इस हॉस्पिटल में घायल पक्षियों और बीमार पशुओं का डॉक्टर्स निःशुल्क उपचार करें। यह हॉस्पिटल 12 से 12 किलोमीटर दूर बड़ा बालाजी के सामने 35 बीघा जमीन पर बनकर तैयार हुआ है। वहीं इस हॉस्पिटल और इसकी सुविधाओं पर 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। मैंने एक एक वार्ड देखा है, अद्भुत है। मेरे ख्याल से मैंने कभी देखा नहीं, पक्षियों के लिए भी, पशुओं के लिए आधुनिक मशीनों के साथ में, जो मनुष्य के लिए होती है, चाहे एक्सरे मशीन हो, सोनोग्राफी हो, ऑपरेशन थिएटर हो, आउटडोर हो, इंडोर हो, इस तरह की व्यवस्था मैंने देखी नहीं कभी। ये प्रमोद जैन भाई ने, इनकी संस्था ने जो काम अद्भुत किया है, जिसको मैं साधुवाद देता हूँ, क्योंकि मैंने 2003 के अंदर पहली बार मैंने गौशाला के यहाँ पर इसी जिले में उद्घाटन किया था। और 20-22 साल के बाद मैं देखता हूँ कि एक के बाद एक गौशालाएं खुली हैं और ये पशु पक्षियों तक पहुँच गए, पक्षियों तक पहुँच गए। पक्षियों का जिस रूप में आधुनिक तरीकों से वहाँ मैंने देखा इंतजाम, कैसे ऑपरेशन के पहले, उसके ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद में किस प्रकार से रिकवरी हो, वहाँ तक व्यवस्था कभी देखी नहीं पक्षियों के लिए। अब कल्पना करते तो ये वो व्यक्ति काम कर सकता है जिसमें जीव दया हो, जिसमें पशु पक्षियों के प्रति प्रेम हो, वो ये काम कर सकता हूँ। इस हॉस्पिटल की विशेषता है कि क्षेत्र में किसी भी पशु पक्षी के दुर्घटनाग्रस्त होने या फिर अन्य कारणों से घायल होने की सूचना मिलने पर उसे मौके से रेस्क्यू कर हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा, जहां उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आपको बता दें कि पशु पक्षियों के लिए बनाए गए इस हॉस्पिटल में 3 ऑपरेशन थिएटर और इसके साथ ही 6 से अधिक सुविधा युक्त वार्ड बनाए गए हैं। साथ ही यहां पर उपचार सुविधाएं 24 घंटे संचालित रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।